जातीय जनगणना पर मैंने शुरू से मेरा स्टांस रहा कि हम लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन ये सर जो लोग इसके पक्ष में हैं उनको पूछना चाहिए नीतीश और तेजस्वी से कि इसका कानूनी आधार क्या है। ये आंख में धूल झोंकने के लिए आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सर्वे पर खर्च कर रहे हैं। क्या हुआ नतीजा? जब वो राज्यों का अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, जब आपने उसके लिए कोई कानून बनाया नहीं, इनको जातीय जनगणना कराना है। आप ये बताइए कि 17 साल से नीतीश कुमार है ना मुख्यमंत्री, काहे नहीं कराए पहले जातीय जनगणना? 15 साल लालू यादव थे ना यहां पर मुख्यमंत्री, आरजेडी की सरकार थी ना, तो उनको किसने रोका था जातीय जनगणना कराने से? अब ये ज्ञान हुआ है। अरे अब कुछ हाथ में दिख नहीं रहा है, सामने चुनाव है तो बाप बाप कर रहे हैं, समाज को बांट के किसी को कि तुम्हारे 32 साल से लालू नीतीश यहां मुख्यमंत्री हैं, जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया? अगर राज्य के अधिकार का यह मामला है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई गई, ये तो बताइए पहले। पहली बात तो जनगणना है नहीं, वो सर्वे है ना, इनको कराना है ना, इनको तो खाली उस पर राजनीति करनी है। जातियों में समाज बटा रहे, सारा समाज अशिक्षित अनपढ़ रहे, तभी तो किसी 10वां फेल 9वां फेल आदमी को कोई नेता मानेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कौन ये अनपढ़ों को नेता मानेगा?